बीएसपी के ब्लास्ट फर्नेस 7 में ठेका श्रमिक की आग से झुलसने के मामले में भट्टी थाना पुलिस ने बीएसपी के अधिकारियों सहित 5 के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में एक ठेका श्रमिक राहुल उपाध्याय की मौत हो गई। बीएसपी प्लांट में ठेका श्रमिक की मौत के मामले में भट्टी थाना पुलिस ने बीएसपी के अधिकारियों और ठेका कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि 1 जून 2022 को फर्नेस में वेल्डिंग के दौरान ठेका श्रमिक राहुल उपाध्याय आग से झुलस गया था। इसके साथ ही दूसरा ठेका श्रमिक परमेश्वर भी झुलस गया था। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने राहुल उपाध्याय को मृत घोषित कर दिया था। इस पूरे मामले की जानकारी भट्टी थाना प्रभारी के कुशवाहा ने दी। दिनांक 1/6/2022 को ब्लास्ट फर्नेस 7 में रिपेयरिंग मेंटेनेंस के दौरान जो है राहुल उपाध्याय जो वहाँ पर वेल्डिंग कर रहा था, तो वेल्डिंग करने के दौरान जो है वहाँ पर उसके जूते में आग लग गई। जूते में आग लगने से उसके शरीर में पूरा फैल गया। फैलने से परमेश्वर राहुल उपाध्याय जो पूरी तरह आग से झुलस गया था, जिसे बचाने हेतु परमेश्वर शिखा भी आया था, जो परमेश्वर शिखा भी उससे बचाते समय आग से झुलस गया था, जिसे सेक्टर 9 हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जो उपचारार्थ है अभी भी सेक्टर 9 में एडमिट है। जिस पर से मर्ग राहुल उपाध्याय की मृत्यु होने पर थाना भिलाई भट्टी में मर्ग कायम किया था। मर्ग जांच पर से जो उक्त घटना में शामिल जो बीएसपी के जो अधिकारी थे और जो ठेकेदार थे, उनके खिलाफ जो है सुरक्षा के प्राप्त साधन उपलब्ध नहीं कराने की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, जिस नाम से 5 लोगों के खिलाफ जो है थाना भट्टी में अपराध कायम किया गया है। बीएसपी में KSNR रमेश है, DGM है जो ब्लास्ट फर्नेस के, और शांतनु मिश्रा है, GM है ब्लास्ट फर्नेस बीएसपी भिलाई के, और सेफ्टी ऑफिसर है हेमंत वर्मा। गौरतलब है कि बीएसपी में आए दिन दुर्घटनाएं होते रहती हैं, जिससे कर्मचारियों के मन में भय समाया हुआ है। इन दुर्घटनाओं पर काबू पाने प्रबंधन को ठोस नीति बनाए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।